गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज मैं इस वीडियो में एरोलिस 36 प्रीवियस ईयर बुक की रिव्यू करने वाली हूँ, जो दिशा पब्लिकेशन के तरफ से है। और ये इस बुक का 18th एडिशन है। इस बुक में आपको 1988 से लेके 2023 तक के सारे PYQ के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और इस बुक की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें NCERT लोकेटेड है, मतलब क्वेश्चन के बगल में ही आपको NCERT का पेज नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आपको बुक बार बार इधर से उधर खोजने की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए इस बुक को खोलकर देखते हैं। ये इस बुक का फ्रंट पेज है, जिस पे आपको थोड़ा सा बुक का यहाँ पे एडवर्टाइज किया हुआ है। इसके फ्रंट पेज पे भी ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। ये इसका सेकेंड पेज है, जिस पे आपको कंटेंट्स मिल जाती है। इस बुक में आपको 11 और 12th दोनों के कंटेंट देखने को मिलेंगे। पहले 11 से स्टार्ट है चैप्टर वाइज। पहला है लिविंग वर्ल्ड, और इसमें टॉपिक वाइज आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। पहला टॉपिक है व्हाट इज लिविंग, सब्जेक्ट बॉटनी, और पेज नंबर आपको बगल में प्रोवाइड की गई है। फिर टॉपिक टू है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड एंड टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। फिर ये टॉपिक थ्री टैक्सोनॉमिकल एड्स, वैसे ही चैप्टर टू के सारे टॉपिक्स, चैप्टर थ्री के सारे टॉपिक्स, चैप्टर फोर के सारे टॉपिक्स, चैप्टर फाइव के सारे टॉपिक्स। फिर इधर आपको मिल जाएंगे चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, मतलब ये इसमें टॉपिक वाइज आपको सारे चैप्टर्स बॉटनी के और जूलॉजी 11 क्लास के सारे इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। 11 में टोटल 22 चैप्टर्स है, तो इसमें आपको 22 चैप्टर्स मिलेंगे टॉपिक वाइज। फिर यहाँ पे इसी बुक में क्लास 12th का भी कंटेंट स्टार्ट होता है चैप्टर 1 से। पहला चैप्टर है आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टॉपिक 2 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सब्जेक्ट बॉटनी, और पेज नंबर इसका B14 है। मतलब इस बुक में क्लास 11 के जितने भी टॉपिक है उसका पेज नंबर A से स्टार्ट हुआ है, और क्लास 12 के जितने भी टॉपिक है उसका पेज नंबर B से स्टार्ट हुआ है। तो वैसे यहाँ पे चैप्टर 2 है टॉपिक वाइज सारा दिया हुआ है, चैप्टर 3 टॉपिक वाइज सारा है, चैप्टर 4 टॉपिक वाइज, चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसमें आपको सारा टॉपिक वाइज देखने को मिलता है। ये बुक चैप्टर 2 में क्लास 12th में टोटल 16 चैप्टर है, तो ये इसमें भी 16 चैप्टर है, टॉपिक वाइज सारा दिया हुआ है। ये इस बुक ऐसे थोड़ा सा दिया हुआ है, और इस बुक में पाई चार्ट भी दिया हुआ है कि नीट में किस टाइप का क्वेश्चन आता है। बॉटनी से 36 क्वेश्चन ईजी आते हैं, ईजी लेवल के आते हैं, मीडियम लेवल के 10 क्वेश्चन आते हैं, और डिफ़िकल्ट लेवल के 2 क्वेश्चन आते हैं। और फिर जूलॉजी से ईजी क्वेश्चन का जो नंबर होता है वो 32 रहता है, और मीडियम क्वेश्चन का जो नंबर रहता है वो 20 रहता है। यहाँ पे आपको ग्राफ बना हुआ भी दिया हुआ है, इधर भी ऐसे ही दिया हुआ है कुछ। और ये स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जो है क्लास 11 की द लिविंग वर्ल्ड। तो इस बुक में आपको सबसे पहले क्या मिल जाएगी, पहला क्वेश्चन है टॉपिक 1 में व्हाट इज लिविंग। पहला क्वेश्चन है इसका, इट इज़ मच ईजियर फॉर अ स्मॉल एनिमल टू रन अप हिल देन फॉर अ लार्ज एनिमल बिकॉज, और इसका यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, इसमें से जो सही है उसमें आपको टिक करना है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, इसमें भी आपको 4 ऑप्शन प्रोवाइड की गई है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 3 है, जो द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर, इसमें भी आपको 4 ऑप्शन प्रोवाइड की गई है। और इसका सबसे अच्छा है कि ये क्वेश्चन 2007 में पूछा गया है, और इसका NCERT का पेज लोकेट भी यहाँ पे किया हुआ है, पेज 5, मतलब ये क्वेश्चन आपको पेज नंबर 5 में देखने को मिलेगा। सेम क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आपको पेज नंबर 5 पर मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको 2016 में पूछा गया था, 2 नंबर का क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था, फिर ये 4th का है तो ये 2007 में पूछा गया था, 5 नंबर का ये 2000 में पूछा गया था, 6 का है तो ये 1919 में पूछा गया था, 7 का है तो ये 1991 में पूछा गया था, और 8 नंबर का 1988 में पूछा गया था। मतलब इसके हर एक क्वेश्चन के बाद 4 ऑप्शन आपको प्रोवाइड की गई। और फिर इसका टॉपिक 2 स्टार्ट हुआ है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, इसका भी क्वेश्चन दिया हुआ है और बगल में पेज लोकेट कर दिया है, मतलब NCERT के पेज 10 में ये आपको मिल जाएगा। और ये पूछा गया था 2022 के पेपर में, ये क्वेश्चन आया हुआ है। और ये भी इसका सारा 4 ऑप्शन है, इसमें कोई एक सही होगा जिसको आपको टिक करना है। फिर ये 10th नंबर का क्वेश्चन के बगल में भी पेज नंबर लिखा हुआ है, पेज 11, और ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था 2021 के नीट एग्ज़ाम में। ऐसे इस बुक में सारे के बगल में पेज लोकेट कर दिया गया है, आपको ज़्यादा खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं दिखा देती हूँ थोड़े से,
इसमें आपको कॉलम टाइप का भी क्वेश्चन मिल जाएगा, और इसके लास्ट में आपको आंसर की प्रोवाइड की गई है जिसमें आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और हिंट्स एंड सॉल्यूशन में यहाँ पे आपको डिटेल्ड फॉर्म में हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। जैसे ये 1 नंबर का है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, अगर आपको यहाँ से प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ पे इसका डिटेल सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। हर एक नंबर का आपको डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा, और बगल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के तौर पे आपको नोट्स के फॉर्म में मिला है जिससे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर इसका चैप्टर 2 स्टार्ट होता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें भी टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन है, और बगल में एनसीईआरटी का पेज नंबर लोकेट कर दिया गया है जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हो गया 11 का सारा इंडेक्स। ऐसे ही इसका चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, मतलब वो 22 चैप्टर तक सारा ऐसे ही प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्लास 12 के सारे कंटेंट। तो ये है गाइस क्लास 12 का चैप्टर जो स्टार्ट बाय रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें भी आपको टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन प्रोवाइड की गई है। देखिए टॉपिक 1 में है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और पहला क्वेश्चन है इसका मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, मतलब आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा आपका वो आप यहाँ पे जो भी सही है उसमें आप टिक कर सकते हैं। फिर इसका दूसरा क्वेश्चन है ऑफसेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, ये क्वेश्चन आपको पेज 5 और 7 बुक में मिल जाएगी, एनसीईआरटी क्लास 12 की 5 और 7 पेज पे आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। फिर ये 3 नंबर में इन जिंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अकर्स थ्रू, इस क्वेश्चन में भी 4 ऑप्शन दिए हुए और इसका आंसर आपको पेज 7 पे मिल जाएगा। इसी टाइप से आपको सारे क्वेश्चन दिए हुए, बगल में एनसीईआरटी का पेज लोकेट कर दिया गया है। उसके बाद है यह आंसर की, यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, और हिंट्स एंड सॉल्यूशन में आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा। जैसे ये 1 नंबर का है, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, ये आपको जाएगा। फिर यहाँ से चैप्टर 2 स्टार्ट होता है, तो इसमें भी आपको टॉपिक वाइज ही सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ टॉपिक 1 स्टार्ट हो रहा है, ऐसे करके आपको सारा क्वेश्चन इसमें प्रोवाइड किया गया है। और इस बुक की थिकनेस की बात करूं मैं तो इसकी थिकनेस इतनी है, क्योंकि इसमें 11th और 12th दोनों के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसलिए थोड़ी सी मोटी है, पर ये प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छी बुक है। सबके पास आई थिंक होनी चाहिए ये बुक, क्योंकि इसके बगल में एनसीईआरटी का पेज लोकेट कर दिया गया है। और इस बुक की प्राइस की बात करूँ मैं तो 725 इसकी ऑफलाइन प्राइस है, लेकिन अगर आप ये फ्लिपकार्ट या अमेज़न से बाय करते हो तो आपको ये थोड़ी कम में मिल जाएगी। ऐसे अभी डिस्काउंट है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप लोग वहाँ से चेकआउट करके परचेस कर सकते हो। बाकी तो मैं अगर इस बुक की बात कहूँ तो ये 11 के फ्रेशर्स के लिए भी बहुत अच्छा है, और 11 अगर आप फ्रेशर से 11 12 तो भी आप ये बुक ले सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए ये बुक बहुत अच्छा है, अगर आप ड्रॉपर है तो भी आप ये बुक ले सकते हैं, क्योंकि ये बुक में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपके लिए ये परफेक्ट है, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो ये परफेक्ट फॉर नीट एस्पिरेंट है, आप ले सकते हो इस बुक को। आप फ्रेशर्स हो तब भी आप इस बुक को ले सकते हो, अगर आप ड्रॉपर्स हो तब भी आप इस बुक को ले सकते हो, क्योंकि फ्रेशर्स अगर आप हो तो अच्छा होगा, क्योंकि आपके आपका जितना भी उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप प्रैक्टिस कर पाओगे। इसमें टॉपिक वाइज आपको सारा क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है, तो आप एक टॉपिक पर और उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आप ड्रॉपर है तब तो आपके लिए ये बुक एकदम परफेक्ट है, क्योंकि ड्रॉपर्स का तो मेन काम यही होता है कि क्वेश्चन जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो उतना आपके लिए बेटर होता है। तो मैं तो ये बुक आप लोग को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर ले लो। अगर आप लोग नहीं कर सकते हो तो आप लोग अगर ऐसा चाहते हो कि मैं हर चैप्टर वाइज इसका सारा क्वेश्चन आपको शो कर दूँ, आपको सारा अपने वीडियो में डाल के दिखा दूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, मैं हर एक चैप्टर वाइज चैप्टर वाइज क्वेश्चन का वीडियो बना के यूट्यूब पे पोस्ट कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।